हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पामेरा में राशन डीलर के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़, प्राधिकार पत्र निलंबित। ग्राम पंचायत पामेरा की ग्राम पामेरा में उचित मूल्य विक्रेता राशन डीलर मेसर्स वागा राम समर्था राम के खिलाफ राशन कार्ड धारक उनाराम रेवारी ने जिला कलेक्टर को शिकायत की थी, जिसकी जांच प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा 29 दिसंबर को की गई। जांच के दौरान भारी अनियमितताएं पाए जाने पर जिला रसद अधिकारी ने भ्रष्ट राशन डीलर वागाराम का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलंबित किया। गरीबों का निवाला चटकर जाने वाले राशन डीलर पर की गई त्वरित कार्रवाई से पीड़ित को न्याय मिला। ऐसे और भी कई गरीब परिवार अब सामने आएंगे, जिनके हक का गेहूं राशन डीलर लंबे समय से हड़प कर रहा था। राशन कार्ड धारक उना राम व उसकी पत्नी ने जिला कलेक्टर रसद अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पवार द्वारा कार्ड धारक को पंचायत कार्यालय पामेरा में बुलाकर और मूल्य राशन कार्ड व ऑनलाइन वितरण सूची से मिलान कर राशन डीलर द्वारा गटके गए 45 किलोग्राम गेहूं का खुलासा किया व उना राम की पत्नी के बयान दर्ज कर रिपोर्ट रसद अधिकारी को पेश कर गरीब को न्याय दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। जागरूक टीवी के नगानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।